92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहां था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहां आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटी सपनों में मुस्कान। हाँ, जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली, मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। जवानी वाकई जिंदाबाद होती है, लेकिन बचपन जो है वो और भी ज्यादा जिंदाबाद होता है। और इसी बचपने में कुछ ऐसी जिद बच्चे करने लगते हैं जिनको बड़ों को मना कर देना चाहिए, भला इसी में है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, स्वीकार करें, दीपक बात करूं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में, मेरे यानी दीपक के साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरी जान में जो मुद्दा हम उठा रहे हैं वो है हमारे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। आजकल हम और आप देख ही रहे हैं कि एक ट्रेंड दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है, माइनर्स या अंडर एज बच्चों को माता पिता महंगी महंगी बाइक्स और कार्स देकर सड़कों पर छोड़ देते हैं। और वक्त से पहले मिल रही ये आजादी न सिर्फ उन बच्चों की जिंदगी खतरे में डालती है बल्कि दूसरों की भी। बच्चों के अंदर थोड़ी सी टेंडेंसी होती है, रेकलेसनेस ड्राइविंग की आदत होती है, एक जजमेंटल पावर जो होती है, उनको ड्राइविंग सेंस का इतना सेंस नहीं होता, और जब व्हील्स उनके नीचे होते हैं तो फिर वो रोक नहीं पाते अपने आप को। स्कूल में क्या है, जो भी बच्चा है, मैं तो बोलता हूँ 18 साल से नीचे किसी को भी, मतलब टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, नहीं देना चाहिए जब तक लाइसेंस ना बने। 15-16 साल के बच्चे को तो बिल्कुल देनी ही नहीं चाहिए। लर्निंग प्रोसेस एक अलग प्रोसेस है, बट रोड के प्रोसेस के हिसाब से तो उनको देनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अदरवाइज वो क्या करते हैं कि एकदम से स्पीड, हाई स्पीड पे लेके जाते हैं, कंट्रोल कोई उस टाइम में उनके होता नहीं है, उस वजह से अननेसेसरली कोई ना कोई एक्सीडेंट जो होते हैं वो इसी रीजन से होते हैं। नहीं, बिल्कुल ही गलत है। कई अभी अंधेरिया मोड़ में हुआ है ये दिल्ली में, वो तीनों के तीनों डेथ हो गया, स्पॉट डेथ तीनों बच्चों का, स्कूली बच्चों का, और विदाउट हेलमेट था तीनों। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को भी कि अभी वो एज नहीं है। वाकई पेरेंट्स को भी ध्यान रखना होगा दीपक, स्कूल्स को भी अब ध्यान रखना होगा, और इसीलिए अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने छेड़ी है एक मुहिम ताकि ये माइनर्स सड़कों पर गाड़ी चलाते ना दिखें। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर डॉक्टर मुक्तेश चंद्र होंगे हमारे साथ इस कैंपेन के बारे में हमें बताने के लिए। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो हमें कॉल लगाएं, 3992797 हमारा नंबर है। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ आप हैं दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जवानी दीवानी फिल्म का गाना सुना है आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, हम प्रणाम, स्वीकार करें, दीपक बात कर रहा हूं, और दिल्ली मेरी जान में 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की उस कैंपेन की जो शुरू की गई है हमारे बच्चों को सड़कों पर गाड़ियां चलाने से रोकने के लिए। दीपक, अपना एक पर्सनल इंसिडेंट बताती हूँ। पिछले साल की बात है, मैंने देखा सड़क पर तीन लड़के गाड़ी चला रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने उनकी फोटो खींच कर जब फेसबुक पर डाली और वो पिक्चर वायरल हुई और हम परिवार तक पहुंच गए तो पता चला कि जो बच्चा कार चला रहा था उसकी उम्र थी 13 साल। ये होता है जब आप वक्त से पहले बच्चों को वो चीज दे देते हैं जिसे वो डिजर्व नहीं करते। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने रिचा अब एक कैंपेन शुरू किया है जिसके तहत वो इस तरह के माइनर्स को गाड़ी चलाने से डिस्करेज करेंगे और पेरेंट्स को प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की इस रडार पर कई सारे स्कूल्स हैं जिनके हम यहाँ पर नाम नहीं लेंगे, लेकिन स्कूल्स की क्या भूमिका होनी चाहिए बच्चों को रोकने के लिए, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एपीजे पीतमपुरा के प्रिंसिपल दिलीप बेदी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऋचा, दीपक। सर, दिल्ली पुलिस के इस कैंपेन के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि इस बारे में जो रूल्स सख्त होने चाहिए, तो अगर पुलिस ऐसा मुहिम चलाती है तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए और पुलिस को पूरा सहयोग देना चाहिए। सर, लेकिन पुलिस भी क्या करे जब माता पिता ही चाबियां अपने बच्चों के हाथ में दे देते हैं। यही बात मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ, इस समय पर ना कहने से ज्यादा फायदा है कि बाद में बैठ कर रिग्रेट करें। बच्चे की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि ना करें और इस ना के द्वारा अपने प्यार को दर्शाएं। सर, ये तो होगी पेरेंट्स की बात, लेकिन आप अपने स्कूल में कैसे इंश्योर करते हैं कि छोटे बच्चे गाड़ियां लेके स्कूल ना आए? हमारे यहाँ पे एक सीधा साधा रूल है कि कोई भी बच्चा स्कूल के अंदर अपनी गाड़ी या टू व्हीलर नहीं ला सकता।
ना ही वो स्कूल की बाउंड्री के आसपास ही पार्क कर सकता है। एक बात हो सकती है कि स्कूल से दूर कहीं वो अगर अपनी कोई चीज ऐसी लेके गए जहाँ लाइसेंस के बिना लेके गए हैं तो उससे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। शुक्रिया बेदी सर हमसे बात करने के लिए। वाकई अगर माता पिता ज्यादा लाड़ दिखाकर अपने बच्चों के हाथ में चाबियां दे दें तो स्कूल भी एक लिमिट तक ही बच्चों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अब ठान लिया है कि ऐसे बच्चों को कंट्रोल करना है और इनके पेरेंट्स का चालान करना है अगर ये बच्चे माइनर्स हैं और ड्राइव करते पकड़े जाते हैं। तो इस कैंपेन के बारे में बताने के लिए हमारे साथ बस सबसे कुछ ही देर में होंगे स्पेशल कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस दिल्ली डॉक्टर मुक्तेश चंद्र। अगर आपको कुछ कहना है इस मुद्दे पर तो प्लीज हमें कॉल लगाएं। 3992797 हमारा नंबर है। आप हैं दीपक और चैनरुत के साथ दिल्ली मेरी जान में 92.7 बिग एफएम पर। प्यार कीजिए साहब अपने बच्चों से, पर इतना भी नहीं कि उनके और आपके दर्द का सबब बन जाए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूँ 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और अगर आप भी उन पेरेंट्स में से एक हैं जो बहुत लाड़ प्यार के चलते अपने बच्चों को महंगी महंगी कार्स और बाइक्स चलाने की इजाजत दे देते हैं उम्र से पहले, तो अब संभल जाइए। आपका प्यार अब आपको महंगा पड़ सकता है क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नजर आप पर और आपके बच्चों पर है। और इसी कैंपेन के बारे में बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर डॉक्टर मुक्तेश चंद्र। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपक। गुड मॉर्निंग टीचर। डॉक्टर मुक्तेश, आपका ये अभियान है क्या? हमने ये अभियान चलाया है कि बीच बीच में स्कूलों के बाहर जाके हम लोग छुट्टी के वक्त ये देखते हैं कि कौन बच्चा है जो बिना लाइसेंस नाबालिग होते हुए भी गाड़ी चला रहा है, और ऐसे बच्चों को जिन्होंने गाड़ियां दी हैं चाहे वो उनके अभिभावक हों या कोई और लोग, उनको बुला के उन लोगों का चालान किया जाता है। जब हमने ये 3 दिन ड्राइव चलाया मार्च पहले हफ्ते में, तो उसी में हमें 200 से ज्यादा ऐसे बच्चे मिले जो ड्राइविंग कर रहे हैं। डॉक्टर मुक्तेश, इस कैंपेन में आप स्कूल्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं? जो स्कूल के प्राध्यापक हैं उनको भी हम इस बात से आगाह कराएंगे, आपके स्कूल के बच्चे देखिए गाड़ी चला रहे हैं, तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनके पेरेंट्स को बुलाइए, पेरेंट टीचर मीटिंग में इस बारे में चर्चा कीजिए और उनको समझाइए कि ये बहुत खतरनाक चीज है। जिन जिन स्कूलों में ज्यादा प्रवृत्ति देखने को पाई जाएगी उनके बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट को बताया जाएगा। डॉक्टर मुक्तेश, पता चला कि कुछ खास स्कूल्स हैं जो आपके रडार पर हैं? जो ज्यादा हाई फाई या बड़े इन्फ्लुएंशियल स्कूल्स हैं, बड़े लोगों के बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां पे ज्यादा देखी जाती है, और वो माँ बाप कॉस्टली मोटरसाइकिल या गाड़ियां उनको दे देते हैं। कल को अगर कोई हादसा अगर होता है, किसी की जान जाती है या उसके हाथों किसी और की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है, तो मैं समझता हूँ इसका दोषी स्कूल मैनेजमेंट भी होगा, इसके दोषी अभिभावक भी होंगे। मैं इसमें चाहता हूँ कि जो स्कूल है और अभिभावक है वो भी हमारा इस बात में सहयोग करें ताकि इन जानों को जाने से बचाया जा सके। ये बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर मुक्तेश, लेकिन कई बार स्कूल्स या आप भी क्या कर सकते हैं जब पेरेंट्स ही लाड़ प्यार में अपने बच्चों को चाबियां दे देते हैं गाड़ियों की? उनको बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल सख्ती से पेश आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको यही समझाएं कि बड़े हो जाने के बाद आप लाइसेंस लीजिए और उसके बाद आप गाड़ी चलाइए। आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस इसकी इजाजत नहीं देती, तो देयरफॉर आपको ये गाड़ी चलाने को हम नहीं देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुक्तेश। काश कि सारे पेरेंट्स ये समझ पाए कि बच्चों के हाथों अपनी कार या बाइक्स को शो ऑफ करके आप और कुछ नहीं कर रहे, अपने ही बच्चे की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो प्लीज हमें कॉल लगाएं। 3992797 हमारा नंबर है। आप हैं दीपक और चंद्रुत के साथ दिल्ली मेरी जान में 92.7 बिग एफएम पर। बड़ों को तो अक्सर हमने देखा है 2 और 2 5 बनाते हुए, लेकिन जब छोटे बच्चे भी 2 और 2 5 करने लगे तो बड़ों को भी काफी समस्या हो सकती है। गुड मॉर्निंग, दीपक बात कर रहा हूँ 92.7 पिक एफएम पर दिल्ली मेरी जान में, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और सबसे बड़ी परेशानी उन पेरेंट्स के लिए अब खड़ी होने वाली है जो अपने माइनर बच्चों के हाथों में अपनी कार्स और बाइक्स की चाबियां दे देते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जल्द ही आपका चालान कर सकती है। आज दिल्ली मेरी जान में इसी कैंपेन के बारे में हमने आपको बताया और हमने आपसे कहा था कि अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इस कैंपेन के बारे में तो हमें कॉल लगाइए। मेरा नाम करण खन्ना ऋचा। आजकल सोसाइटीज में हर एक जगह RWS होती है, इनको एक मुहिम चलानी चाहिए कि सरप्राइज गेट बंद करके अपने जो भी ऐसे बच्चे रफ ड्राइविंग करते हैं, छोटे बच्चे माँ बाप उनको देते हैं, उनके स्कूटर रोक के प्रॉपरली उनके पेरेंट्स को बुला के सबके सामने कम से कम गिल्टी फील कराना चाहिए कि ये जो काम कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। मेरा नाम मोना नायर है और मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। मैं अपने सिस्टर्स की 2 बच्चे हैं, उनके 14 साल के 15 साल के, और उनको उन्होंने स्कूटर दे दिया और मैं उनसे इतना लड़ती हूँ इस बात को लेकर
के कि तुम अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में तो डाल ही रही हो और बाकी सबकी जिंदगी कितनी डेंजरस हो जाती है इसकी वजह से। मेरा नाम अनिल रंजन है, नोएडा से बोल रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया आपने मुद्दा उठाया, और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट भी ऐसा कोई लॉ बनाए ना कि भाई ठीक है गाड़ी सीधा फ्रीज, लॉ इतना तगड़ा होना चाहिए और उसके ऊपर एप्लीकेबल इतना तगड़ा होना चाहिए कि अगर कोई माइनर गाड़ी चलाता हुआ दिख जाए तो इतनी पेनल्टी हो कि वो पे ही ना कर पाए। जो आपका टॉपिक आपने उठाया दैट्स वेरी कमेंडेबल। मेरा नाम सुधा है, मेरी अपील लोगों से यही है कि बच्चे जो हैं ये बहुत छोटे हैं और ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं ट्रैफिक रूल्स एंड पॉलिसीज, कार्स लेके जाते हैं रोड्स पे एंड बहुत रैशली ड्राइव करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए। दीपक वैसे एक राय मेरी भी है, मुझे लगता है जो माइनर्स गाड़ियां चलाते पकड़े जाएं उनकी गाड़ियां सीज कर ली जाएं और उनकी नीलामी कर दी जाए और उससे जो आमदनी हो वो ट्रैफिक पुलिस के वेलफेयर फंड में चली जाए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया आइडिया। और इनमें से एक आध गाड़ी कुछ नई मॉडल की निकल आए तो वो मैं भी खरीद लूं। फिलहाल दीपक और ऋचा को दीजिए इजाजत, क्योंकि दिल्ली मेरी जान में आज इतना ही। अनु कपूर जा रहे हैं आपको सुहाने सफर में लेकर जा रहे हैं। मेरी मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 7 बजे से। डार्लिंग्स, टिल द टाइम वी मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock, टेक केयर, गॉड ब्लेस, रॉक द फट्टे, रब रखा।